जोड़कर बनाई गई ये इमारत महज एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि बुलंद ख्वाबों की ताबीर है। वो ख्वाब जिसे खुली आंखों से लाखों नौजवानों ने देखा, लेकिन इसे पूरा किया एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने। इस यूनिवर्सिटी ने न जाने कितने ही नौजवानों के भविष्य को रोशन किया है। राजधानी लखनऊ की सरजमी पर मौजूद ये यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के आज तक 615 संस्थानों को मान्यता दे चुकी है, ताकि हर छात्र को उसके ही जिले में बेहतर तालीम मिल सके। इन संस्थानों में बीटेक, बी फार्मा, बी आर्क, बी एच एम सी टी, बी एफ ए, बी एफ ए डी, एम बी ए, एम सी ए, एम टेक, एम फार्मा, एम आर्क जैसे कोर्स शामिल हैं। अब तक इस यूनिवर्सिटी में 7 वीसी रह चुके हैं, लेकिन साल 2015 में एक शख्स ने इस यूनिवर्सिटी की बागडोर अपने हाथ में ली। उनके तजुर्बे और हौसले ने एकीटीयू में एक नई जान फूंक दी, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी श्री विनय पाठक जी हैं। विनय पाठक जी ने प्रदेश में शिक्षा के गिरते हुए स्तर को संजीदगी से लिया। उन्होंने स्टाफ के काम करने के तौर तरीकों के साथ साथ यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम में कई तरह के बड़े बदलाव किए, और तो और पूरे 20 साल के बाद पारदर्शी प्रणाली के तहत काबिल स्टाफ की भर्ती की गई। विनय पाठक जी ने छात्रों की दिक्कतों को अपना समझा और पूरी यूनिवर्सिटी को डिजिटलाइजेशन के तहत ऑनलाइन कर छात्रों के लिए स्टूडेंट ग्रेवांस सिस्टम की शुरुआत की। इतना ही नहीं, छात्रों के लिए व्हाट्सएप नंबर की भी शुरुआत की, ताकि छात्र आसानी से कुलपति से संपर्क कर सकें। यह विश्वविद्यालय अपने 17 वर्षों का जो है वो एक कार्यकाल समाप्त कर चुका है, और मुझे ये जानकर खुशी है और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि विश्वविद्यालय ने 17 वर्षों की अपनी छोटी सी यात्रा में बहुत कुछ मकाम इन पिछले 3 वर्षों में हासिल किए। विश्वविद्यालय का एक नया भवन बना है जो कि विश्व स्तरीय भवन है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अपने हाथों से इसका जो है उद्घाटन किया है, और विश्वविद्यालय हमेशा डिजिटलाइजेशन के पथ पर बहुत अग्रसर है। यह विश्वविद्यालय का अपना एक ERP सिस्टम है। हम सब एक साथ बढ़े ऐसा मानते हुए सभी लोगों को 200 करोड़ की एक माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुभारंभ किया है, और हम सभी एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं। हम सब लोग इसको एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए तत्पर हैं। सभी छात्रों को उनकी एकेडमिक और तकनीकी दृष्टि से उनका ज्ञान बढ़े, इस काम के लिए हम कृतसंकल्प। डिजिटलाइजेशन के बाद 16,47,000 फाइलों को फीड कर सभी छात्रों के रिजल्ट को ऑनलाइन कर दिया गया, जिसके बाद से छात्रों को अपनी हर दिक्कत का हल बस एक क्लिक में मिल जाता है। माइग्रेशन, ट्रांसक्रिप्ट और प्रोविजन डिग्री जैसे अहम दस्तावेजों के लिए छात्रों को आना नहीं पड़ता, बल्कि वो घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। बात यही खत्म नहीं होती, छात्रों के कल्याण एवं पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 23 नए अधिष्ठाता एवं सह अधिष्ठाताओं की नियुक्ति की गई। नई सोच और अनोखे आइडिया को बढ़ावा देने के लिए IET लखनऊ, HBTI कानपुर, UPTTI कानपुर और MMMTU गोरखपुर में 4 इक्यूबेशन सेंटर्स की शुरुआत की गई। यूनिवर्सिटी ने CMAP के साथ सहमति बनाई है, ताकि बायो साइंस में रुचि रखने वाले छात्रों को रिसर्च करने का मौका मिल सके। विश्वविद्यालय में गुणवत्ता परक शोध को बढ़ावा देने के लिए 15 रिसर्च सेंटर की शुरुआत भी की गई। इसी कैंपस में डिजिटल लाइब्रेरी भी है, जहां छात्रों की हौसला अफजाई के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आर्य भट्ट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, श्री सत्येंद्र नाथ बोस, श्री CV रमन, डॉक्टर जानकी अम्मल, श्री विक्रम साराभाई, श्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, श्री रामानुज श्रीनिवास, श्री प्रफुल्ल राय और होमी जहांगीर भाभा जैसे महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई हैं। साल 2017 में ही सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज की शुरुआत की गई, जिसमें MTech इन कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे आधुनिक कोर्स चलाए जा रहे हैं।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार योजना के तहत प्रदेश भर की चुनिंदा यूनिवर्सिटीज के लिए पूरे 200 करोड़ के फंड को स्वीकृति दी गई, जिसका इस्तेमाल शिक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करने में किया जा रहा है। दिन ब दिन बढ़ रही धोखाधड़ी को रोकने और फर्जी डिग्री धारकों पर लगाम लगाने के लिए हाईटेक डिग्री निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। दूसरे प्रदेशों के मेधावी छात्रों को मौका देने के लिए कोटे को बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस में डिजाइन इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई है और साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से जोड़ने की कवायद भी चल रही है। और तो और NPTEL के साथ मिलकर 930 ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं ताकि छात्र अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी ने सेंटर ऑफ एक्सलेंस के तहत एंट्यूपल ANSYS कैंडेस जैसी मशहूर कंपनियों से MOU किया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। कैंपस में छात्रों को फ्री वाईफाई देने के लिए विश्वविद्यालय ने रिलायंस जियो के साथ MOU किया है। APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी आज लाखों छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है।